हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो मैं ध्रुव धनकर, XSVIP, आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन सेशन लाया हूँ। अब डिस्कशन सेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी आपके किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग डाउट है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर की गई है पर एक्सपेक्टेड है आने की, या कोई रिजल्ट के आने के चांसेस हैं या कट ऑफ या कोई भी न्यूज़ आने के, उसके बारे में हम एक कैजुअल डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो का पर्पस रहता है जो बहुत सारे आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो, आप मोटिवेटेड फील करें और आपके प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है क्या, RBI की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है और टाइटल से आप देख भी सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं फिर से RBI असिस्टेंट 2019 नोटिफिकेशन के बारे में। अब आप बोलोगे सर 10-1 दिन पहले ही तो आपने अपडेट डाला था वापस बनाने की, क्योंकि बार बार हमारे पास स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर असिस्टेंट का कब आएगा कब आएगा, जो आप बता रहे हैं वो गलत है नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि ये जो असमंजस की जो सिचुएशन है, जो ये एनजाइटी है, नर्वसनेस है, ये क्लियर करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा था अच्छे चांसेस हैं कि RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएगा, हो सकता है उससे जल्दी भी हो जाए, हो सकता है जनवरी एंड तक भी हो जाए। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, इसका एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल और आपके सामने मैं शो करना चाहूँगा, जिससे आपको थोड़ा और भरोसा हो कि हाँ असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हो सकता है इस साल भी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन ना आए। पिछले साल आपका आया नहीं था, कब आया था, 2017 में आया था, उसके बाद LPT के रिगार्डिंग इश्यूज रहा था, तो 2 साल से लगभग केस चल रहा था, जो फाइनली मई एंड में जाके पूरी तरह रिजॉल्व हो गया था, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो 2000 अब फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर हुए हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं, अराउंड 4 मंथ्स आपके हो चुके हैं, तो अभी तक नोटिफिकेशन फिर निकला क्यों नहीं? क्योंकि नोटिफिकेशन RBI के निकालने का एक टाइम फ्रेम रहता है, उस टाइम फ्रेम पे ही RBI जनरली अपने नोटिफिकेशंस रिलीज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके लिए क्यों खोल रखी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये साइट पर क्या कीजिए, नीचे ही जाइए, सबसे नीचे अपॉर्चुनिटीज़ एट RBI में जाइए। अब करंट वैकेंसीज़ के अंडर आप देखेंगे, इसमें वैकेंसीज़ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही अभी आपकी कौन सी वैकेंसी दिखाई दे रही है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। तो आप सभी को पता है ग्रेड बी के लिए सॉरी ग्रेड बी के लिए 199 199 वैकेंसीज निकाल रखी है फॉर जनरल, DEPR एंड DSIM के लिए। ठीक है, तीनों स्ट्रीम्स के लिए 199 वैकेंसीज, जिसकी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी हो चुकी है, 11 अक्टूबर लास्ट डेट थी, और शायद 1 नवंबर के अराउंड, 1 नवंबर के अराउंड आपका एग्ज़ाम भी है फेज़ वन का ग्रेड बी के लिए। अब ग्रेड बी में कभी इशू नहीं रहा है, ग्रेड बी हर साल आता रहा है, और असिस्टेंट में भी इस साल ही 2017 के जो केस हुआ उसके कारण इशू हुआ, वरना ये भी कंसिस्टेंटली रेगुलरली RBI नोटिफिकेशंस रिक्रूटमेंट लाती रही है, और इन रिक्रूटमेंट्स का टाइम हमेशा यही रहा है, मतलब ग्रेड बी का सितंबर अक्टूबर यही टाइम आपका असिस्टेंट के भी रहता है। और इसका एग्जांपल हम साइट करेंगे आर्काइव से, आर्काइव्स मतलब पहले कब कब आपकी नोटिफिकेशन आया, तो लास्ट टाइम आपका नोटिफिकेशन कब आया था, 2017 में, 2017 में, तो 2017 में जाइए, 2017 पे क्लिक किया, ऑल मंथ्स पे क्लिक कीजिए, ऑल मंथ्स पे क्लिक करते ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको रिक्रूटमेंट देखना है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स के लिए। अगर आप रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स ढूंढे तो अक्टूबर 18, 2017 में जाइए, देखिए अक्टूबर 18, 2017 का टाइम है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्म किया गया था। 18 अक्टूबर 2017 मतलब लगभग आज से 2 साल पहले रिक्रूटमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई थी, और अराउंड यही अक्टूबर नवंबर का ही, जनरली अक्टूबर नवंबर का ही टाइम रहता है जब RBI अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर अक्टूबर नवंबर इस टाइम में ही अपनी नोटिफिकेशंस रिलीज़ करता है फॉर जनरलिस्ट पोस्ट लाइक ग्रेड बी एंड असिस्टेंट। ठीक है, तो कैसे क्या क्या थे उस वैकेंसी उस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी बातें देखते हैं, उससे हमें भी जो आने वाली जो हमारे 2019 में जो अभी कुछ समय में आएगी उसके बारे में पता चलेगा। जो लास्ट टाइम जो आपकी नोटिफिकेशन थी उसमें 623 पोस्ट रिलीज़ की गई थी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया 623 पोस्ट वो रिलीज,
अब ये था सिर्फ 2017 के लिए। अब आपको पता है 2017 के बाद 2018 में नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट हो रखी है, प्लस 2019 की जो रिलीज़ करनी है। तो दोनों को मिला के आप लगभग इसकी डबल वैकेंसीज, जैसे 620 है तो अराउंड 1300, 1200, 1300 वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आरबीआई असिस्टेंट, जो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। आरबीआई खुद अपने आप में बहुत ही यूनिक, अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें असिस्टेंट के जॉब के लिए इतनी ज़्यादा पोस्ट आपको रेयरली फिर कभी देखने को मिले। तो वो 1200-1300 पोस्ट रिलीज होने वाली है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। अब ये मैं बार बार आपको हर 10-15 दिनों बाद क्यों मोटिवेट करता हूँ, क्यों रिमाइंड करवाता हूँ, क्योंकि ऐसा मत कीजिएगा, लेट मत कर दीजिएगा। अभी भी अगर आपको शक है, आपके दिमाग में किसी तरह का डाउट है कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, वही बार बार मैं आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% आएगा। तभी उसके बारे में नए नए आपके एविडेंस, नई नई बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं जो रियलिस्टिक, और काफ़ी जो नेगेटिव एलिमेंट्स जो रहते हैं, जिनका काम हर किसी को लेट डाउन करना, नेगेटिविटी फैलाना ही रहता है, कुछ नेगेटिव करते हैं। उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट मत कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं, हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नहीं पसंद आ रहा, तो आप अनसब्सक्राइब करके कहीं और पे वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको, या फिर ऑनलाइन और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अराउंड 1200-1300 पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, 18 तारीख को ये आया था, और 18 से ही 10 तारीख तक, 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है नवंबर फर्स्ट वीक तक भी वेट ना करें, और अक्टूबर में ही आपका, जितना सोच रहे थे उससे हो सकता है जल्दी। देखिए, नवंबर फर्स्ट वीक तक तो आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, पर उससे जल्दी भी हो सकता है, अच्छे चांसेस हैं। जैसे 2017 में हुआ था, 18 से 10 के बीच में ही हो गया था, अब यही इसमें भी हो सकता है। और प्री का एग्ज़ाम फिर कब हो गया था, देखिए 18 को आपके इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, तो लगभग इन अ मंथ्स टाइम इन्होंने प्री भी कंडक्ट करवा लिया था 27-28 को, मतलब 18 को शुरुआत किया और 1 महीने और 10 दिन के बाद, 1 महीने और 10 दिन मतलब अराउंड 40 डेज़ के अंदर, 40-45 डेज़ में इन्होंने क्या किया, प्री भी कंडक्ट करवा लिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको ये बार बार चीज़ें, अब एलिजिबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं सर क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो एलिजिबिलिटी काफ़ी स्टैंडर्ड है। एज के आप देखें तो 20-28 ईयर्स है, जहाँ तक मुझे याद है, फिर भी हम देख लेते हैं नीचे एक बार स्क्रोल करके 2017 को रेफरेंस लेते हुए। देखिए ये रहा, बिटवीन 20-28 ईयर्स, जो बहुत स्टैंडर्ड है असिस्टेंट या क्लरिकल पोस्ट के लिए यही रहती है, 20-28, ये जनरल के लिए। अब कैटेगरी है, कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको पता है सभी को ऑलरेडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आई होप सभी को पता है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और उनके क्या रेफरेंस डेट रहेगी वो तो नोटिफिकेशन में ही आपको मिलेगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं जब भी आएगी। जनरली एक जैसे अक्टूबर में आई तो 1 अक्टूबर का रखेंगे, नवंबर में आई तो 1 नवंबर का रखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आने के चांसेस भी अब अच्छे लग रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2019 तक ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और 1 अक्टूबर 2019 तक 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब फेजेस क्या क्या रहते हैं वो भी जान लीजिए, जिनको नहीं पता है, पहली बार तैयारी करने वाले हैं या जो भूल चुके हैं, जो जानना चाहते हैं कि सर आरबीआई असिस्टेंट का कभी हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, टेंटेटिव टेंटेटिव पता चल जाए, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 2017 का ही रेफरेंस लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्री रहेगा वही 3, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग कंपोजिट टाइम है, हो सकता है ये भी, ये थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिले इस बार कंपोजिट ना होके, क्योंकि 2017 का था, और 2017 के बाद थोड़े बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स में पैटर्न में हल्के चेंजेस आए, कि ये आपको हो सकता है सेक्शन वाइज टाइमिंग मिले। ठीक है तो वही 30-30, 35-35, 35-35 और 100-100। ठीक है, अब मेंस में यही 5, इसमें तो सेक्शन टाइमिंग है तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस क्वांट इंग्लिश रीजनिंग। ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। अब इसके बाद मेन के बाद आपका इंटरव्यू नहीं रहता असिस्टेंट के लिए, इसके बाद जो रहेगा आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सॉरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, और इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी सिलेक्शन की। ठीक है, वो उसके बाद फिर आपके मेडिकल वगैरह वो सारी चीज़ें तो नॉर्मल है,
तो फॉर्मेलिटीज़ है वो बाद में कंडक्ट की जाएगी। तो प्री मेंस देन एलपीटी, ये तीन स्टेजेस आपके रहेंगे। ठीक है, फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता बचा है नोटिफिकेशन रिलीज़ होने में, हो सकता है अक्टूबर में ही, कुछ ही दिनों में अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए। अच्छे खासे पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के चांसेस हैं, तो अगर आपको लग रहा है होगा ही नहीं होगा तो ये आप रेस्ट अश्योर्ड मानिए कि नोटिफिकेशन ज़रूर रिलीज़ होगा। अगर अक्टूबर में नहीं हुआ तो अर्ली नवंबर में ज़रूर रिलीज़ होगा, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, साल के सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में से एक रहेगी, तो इसको मिस नहीं करना है। और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब कमेंट करके कि सर क्या रहेगा क्या, मैंने यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए क्लियर करने की कोशिश की है, और फिर से आपको रिमाइंड करवाने, फिर से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है कि एक और आपके जो ये जो तैयारी करने का जो जर्नी है, जो सफ़र है, उसमें एक और अच्छा मौका आपके पास आने वाला है। तो तैयारी को स्लो मत कीजिए, ये एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आती है, उनमें से एक एग्ज़ाम आपका RBA असिस्टेंट का भी रहेगा। तो प्रिपरेशन मत छोड़िए और उसको एक लेवल ऊपर लेके जाइए, जिससे ये एग्ज़ाम आप आराम से क्लियर कर सकें। चलिए, जाने से पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके आप नीचे कोई भी लेजिटिमेट डाउट, जो आपके पास लॉजिकल कोई डाउट हो, कोई नेगेटिव कमेंट करने हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, नेगेटिव मत कीजिएगा। कोई आपके पास असली में सही डाउट है तो वो पूछिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।